ठीक है, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ। तो गाइस देख सकते हो हमारा पार्सल रिसीव हो चुका है। एंड देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा थर्माकोल बॉक्स दिया है फ्रॉम ओचिवा कोई इंडिया। और एंड तुम लोग को बता दूँ ये पुणे से आए हमारे फिशेस, इसके अंदर 100% प्योर जापानीज कोई कार्प है। काफ़ी दूर से हमारा पार्सल आया हुआ है। बाकी पैकेजिंग तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से किया गया है। तो चलो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर तुम लोग को धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊँगा पूरा इन्फॉर्मेशन, बिकॉज फिश काफ़ी दूर से आई है एंड इनको भी रिलीज़ भी करना है। तो सबसे पहले गाइस मैं सीजर की मदद से इसको फाड़ देता हूँ इधर। ओके गाइस तो मैंने टेप पर हटा दिया, आप चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। एंड देख सकते हो पेपर पर लगा के रखा हुआ है। सो गाइस काफ़ी अच्छे इसमें पैकेजिंग किया गया है। एंड ये फूड है, तो ये क्या है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा इसके बारे में। इसको पूरा निकाल लेते हैं। एंड ये हमारी फिशेस इसके अंदर, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग किया गया है। एंड बॉक्स काफ़ी बड़े बड़े से हैं, सॉरी बॉक्स नहीं पॉलीथीन। इसके अंदर काफ़ी बड़ी सी जैपनीज कोई कार्प है, आपको ऊपर से दिख रहा होगा, देख सकते हो। एंड ये लाइव है एकदम, मतलब कोई भी किसी की फिश का डेथ नहीं हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसमें भी है जैपनीज कार्प और सभी जिंदा हैं, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलो मैं इन सबको मैं निकाल लेता हूँ पहले, तो इस टब में पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर एक्लिमेट करके मैं इनको इस इनके बड़े से पॉन्ड में शिफ्ट करूँगा अभी। तो चलो गाइस जल्दी से हम लोग अपने फिशेस को अनबॉक्स कर लेते हैं, मतलब मैं निकाल लेते हैं टब के अंदर। और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं पहली बार अपने लाइफ में सामने से जापानीज कोई कार्प देखा, मुझे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड इनके नेम गाइस काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब से हैं, वाकू सोवा मुझे, मतलब जहाँ से आया है मुझे इनके ओनर ने बताया था। एंड आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो कि अभी वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं बताऊँगा कि आप लोगों को ये मिल सकता है और साथ में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके गाइस तो हमारा पैकेट खुल चुका है। एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है, इनको डबल पॉलिथीन में पैक किया गया है और ऑक्सीजन में काफ़ी अच्छे से भरा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी इतने दूर फिशेस ये ट्रैवल कर पाए हैं और ये पूरे जिंदा है, मतलब पूरी फिश की डेथ नहीं हुई, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। एंड जो मतलब जहाँ से ये आए हैं वो भी मुझे तो कॉल करके कहे थे कि जल्दी से अनबॉक्स कर लीजिए, उनको भी भाई लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जापानीज कोई कार कोई ऐसी वैसी मछलियाँ नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, एग्जॉटिक फिशेस होती हैं, ये नॉर्मल कार से बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो पैटर्न होता है ना गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है इनके अंदर पैटर्न एंड कलर। देख सकते हैं गाइस इसके अंदर से डबल पैकेट निकला है, तो इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। ओके गाइस तो एक पैकेट तो पूरा खुल चुका है एंड फिशेस इसके अंदर काफ़ी बड़ी सी दिख रही है मुझे, चलो इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी सी कोई कार्प एंड कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। सो गाइस आप क्वालिटी देख ही सकते हो एंड देख सकते हो भाई फिश कितनी बड़ी सी, भाई काफ़ी बड़ी फिश है। एंड मैं इसका भी नाम नहीं जानता हूँ कौन सी वैरायटी है, मतलब इतना पता है जैपनीज़ कोई कार्प है, बट जैपनीज़ कोई कार्प में काफ़ी सारी वैरायटीज़ की फिश होती हैं। एंड साइज़ भी देख सकते हो आप काफ़ी बड़ा सा है, बाकी अभी उसमें भी फिशेस हैं, तो चलो उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड गाइस इसको भी डबल तरीके से पैक किया गया था, इसके अंदर डबल पॉलीथीन है और ऑक्सीजन भी काफ़ी अच्छा भरा गया है, तभी फिशेस इतनी दूर तक भाई ट्रैवल कर पाई हैं। तो चलो जल्दी से इनको मैं निकाल लेता हूँ, फिर देख सकते हो भाई इसको थोड़ा दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन में, तो इनको मैं निकाल के जल्दी से पॉन्ड में रिलीज़ करता हूँ एक्लीमेट करके तुरंत, फिर आपसे मिलता हूँ। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ सभी फिशेस। ओके गाइस तो आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, देख सकते हो भाई मेरे को ये गोल्डन वाला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो चलो गाइस जल्दी से इनको मैं एक्लीमेट कर लेता हूँ, एंथ्रास का एक्लीमेट में थोड़ा जल्दी प्रोसेस करूँगा। तो देख सकते हो इसमें ये फिल्टर वाला पाइप है, इसको निकाल के डायरेक्ट ऐसे कर दूँगा, तो एक तरीके से आप ड्रिप एक्लीमेशन कह सकते हो, इस तरीके से भाई जल्दी से एक्लीमेट हो जाएगा। एंड ये देख सकते हो पानी भी इसका इसमें जा रहा है, तो टेम्परेचर भी मैच हो जाएगा।
ओके गाइस, तो इतना एक्लिमेशन काफ़ी है और मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, 5-10 मिनट हो चुका है लगभग। चलो अभी मैं वापस से फ़िल्टर का पंप इसमें लगा देता हूँ, सॉरी पाइप, पंप तो नीचे लगा हुआ है। एंड गाइस अभी मैं इनको नेटिंग कर लेता हूँ, एक एक करके हम नेट से पकड़ता हूँ। तो सबसे पहले भाई बिग वन को पकड़ेंगे हम लोग, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है भाई, नेट में आ भी नहीं रहा, आ गया। तो चलो इसको मैं डाल देता हूँ इसमें। एंड गैस इस पॉन्ड के लिए भाई ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, बिकॉज पॉन्ड में भाई सबसे ज़्यादा जैपनीज कार्फ ही रखे जाते हैं एंड वही अच्छे लगते हैं। देख तो काफ़ी अच्छे इसके अंदर दिख रहा है। एंड गैस हमारी बाकी फिशेज को भी पकड़ लेते हैं। चलो भाई इसी लोग आ गए हैं, एंड को हम डाल देते हैं, इनमें रिलीज़ कर देते हैं। एंड गाइस आप कलर देख ही सकते हो इनका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है। चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे जापानीज कोई कार्फ इस फिश पॉन्ड में कैसे लग रहे हैं। एंड मैं दिखा देता हूँ ये मैंने किस लिए लगा रखा है, बिकॉज जब न्यू फिशेस आती हैं तो वो थोड़े से स्ट्रेस में चली जाती हैं और जंप भी कर सकती है, तो मैं कुछ दिन तक इसको मैं ऐसे ला कर रखूँगा। एंड ये ढक्कन है जो हमारा, ये बड़ा सा ही देख सकते हो जो बॉक्स था थर्माकोल, इसी में आया था, तो मैं इसको ढक्कन को ऐसे लगा देता कि फिश जंप ना करे। एंड मैं एक एक्सटर्नल एयर पंप भी लगा दूँ, ये देखो फिर ऑक्सीजन बनाएगा थोड़ा सा, फिशर को स्टार्टिंग में काम देगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फीचर्स हैं इसके अंदर, कितनी बड़ी साइज में फीचर्स हैं। ये देखो भाई, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी भाई फीचर्स हैं इसके अंदर, बहुत बड़ी फीचर्स हैं भाई इसके अंदर। एक तो सबसे बड़ी जाइंट फीचर देख सकते हो, जाइंट जापानीज कोई कार। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि इतने सुंदर कोई का कहाँ से आए, तो गाइस ये आए हैं ओजीबा कोई इंडिया फिश फार्म से, जो कि पुणे में स्थित है महाराष्ट्र में। तो अगर आप पुणे जैसे इलाके से हैं, पुणे या मुंबई में, तो आप ज़रूर इनसे ले सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा पास पड़ जाएगा फिश फार्म, आप इनके फिश फार्म में भी विजिट कर सकते हैं। एंड चाहे तो आप इनको कॉन्टेक्ट करके घर पर भी मंगवा सकते हैं, वहाँ पर तो डिलीवर हो ही जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप दूसरे सिटी या फिर स्टेट से हैं तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, रेलवे से आ जाएगा, लेकिन आपको स्टेशन पर जाना पड़ेगा लेने के लिए। एंड गाइस अगर आप अपने ऑफिस या फिर गार्डन में एक सीमेंट फिश पॉन्ड बनाना चाहते हैं, सीमेंटेड वाला, सुंदर सा होता है, थोड़ा सा पूल टाइप का दिखता है और वाटरफॉल भी बना रहता है, तो आप इनसे बनवा सकते हैं। ये पॉन्ड भी कंस्ट्रक्ट करते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर, एंड साथ में फिल्ट्रेशन वर्क भी करते हैं, जिससे कि आपका फिश पॉन्ड का पानी एकदम क्लियर रहेगा। और फिश तो ब्रीड करते ही करते हैं, एंड इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके पास 100% प्योर जापानीज कार्प है, कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप अगर शॉप पे भी जाते हैं तो आपको क्या पता भाई वो शॉप सेलर जो होगा वो आपको नकली जापानीज कार्प दे सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारी फीचर्स हैं जो कि जापानीज कोई कार्प की तरह दिखती तो है बट होती नहीं, प्योर नहीं होती। बट ये गाइस ये देख सकते एकदम प्योर जापानीज कार्प है, एंड मैं खुद अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कितनी सुंदर फीचर्स हैं। एंड गाइस आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप लोग जापानीज कोई कार्प ऑर्डर करते हैं फ्रॉम ओजीबा कोई इंडिया, और वहाँ पे मेरा रेफरल कोड जो कि है फिशी 1010 यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो प्लीज़ जल्दी से इनके पास ऑर्डर कर लीजिए, इनके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी फिशेज अवेलेबल हैं। इनका पेज फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पर जितने भी नए इसमें जो भी कुछ नया अपडेट्स मिलता रहेगा आपको वहीं से। और बहुत जल्द इनका भाई फिश फूड भी रिलीज़ होने वाला है, बहुत अच्छा फिश फूड है मेरे पास आया है, तो मैं अभी टाइम फीड कर रहा हूँ, वो मैं आपको किसी दूसरे ब्लॉग में दिखा दूंगा। अभी तो मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ कि वो फिशेस को मतलब कैसा लग रहा है, इसमें क्या बदलाव आ रहा है, तो मैं दिखाऊंगा। और वो फिश फूड अभी रिलीज़ नहीं हुआ है मार्केट में, बट जल्द ही बहुत जल्द आ जाएगा, तो मैं वो भी आपको अपडेट दे दूंगा ब्लॉग में। देख सकते हो हमारी सभी फिशेस भाई इधर हाइड कर रखी हैं। एंड ये जापानीज कार्प देख लो जो सबसे बिग है भाई, मेरे को सबसे ब्यूटीफुल लग रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे जापानीज कोई कार्प कैसे फूड खा रहे हैं, मैंने अभी इनको फीड डाला है और थोड़ा सा इन लोग हाइड कर रहे हैं, बिकॉज अभी नए नए हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा इनको, वो देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड अब मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर से इनको ऑर्डर कैसे करना है, तो इनको ऑर्डर करने के लिए आप इनके इंस्टाग्राम से भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड इनके वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया हूँ। इनको DM करना है आपको सिंपली, और मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है फिशी 1010, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आपकी फिशेस और सस्ती मिल जाएंगी। एंड ये आपको मतलब आपके जो जितना भी नज़दीकी स्टेशन होगा रेलवे स्टेशन, वहीं पर ये डिलीवर होगा।
एंड थैंक यू उचिवा को इंडिया इतने सुंदर फिशेज भेजने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फिशेज थे एंड सभी फिशेज अलाइव हैं। मैं अगेन बता दूँ सभी फिशेज गाइस मेरे को अलाइव मिले थे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फिशेज थे, काफ़ी अच्छा कलर एंड साइज था इनका और मेरे फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। देखिए कि कैसे फिशेज इतने सुंदर थे, चमकीले फिशेज थे, मतलब इनमें जो गोल्डन कलर है, जो टेक्स्चर है ना, काफ़ी अच्छा था। और मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम मतलब कोई काफ जैपनीज कोई काफ रख रहा हूँ, मैंने इससे पहले ना कभी देखा था ना कभी रखा है। और ये फिश पॉन्ड भाई इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन मैं इनमें ऐसे रात में ढक दूंगा अभी, क्योंकि ये फिशेस न्यू आई हैं तो ये स्ट्रेस में भी हो सकती हैं और क्या पता ये जंप कर जाए। एंड मैं नहीं चाहूँगा भाई कि हमारी एग्जॉटिक फिशेस जंप करके मरे जो कि इतनी महंगी हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन रखूँगा। एंड मैं अभी हो सके तो इसमें और भी फ्लोटर्स ऐड कर दूँगा, जैसे कि अभी इसमें देख सकते हो कुछ वाटर कैबेजेस हैं। बेसिकली काम ये करेगा कि जो इसमें नाइट्रेट अमोनिया होगा वो सब करेगा एंड फिल्टर तो हमारा वर्क कर ही रहा है। तो फिशेस भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, थैंक्स ओचिवा को इंडिया इतनी सारी फिशेस देखने के लिए। और आप लोग भी कैसे अगर ऑर्डर करना चाहते हो ज़रूर ऑर्डर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टाग्राम का आईडी मेंशन कर दूंगा एंड अपने भी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगा, आप उससे बाहर से भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड गाइस जरूर यूज़ करिएगा Fishy10, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको हमारी सभी फीचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। एंड गाइस हाँ, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर अभी नहीं ऑर्डर करना चाहते फिर किसी दिन ऑर्डर करते हैं, तो मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा Fishy10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है इन फ्यूचर, या फिर अगर अभी ऑर्डर करें तो अभी भी कर सकते हैं। और ऑर्डर करने का भाई काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका है, इनको सिंपली DM करके अपने फिशेस ले सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी न्यू ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।